वेलकम टू टिप्स ऑन ब्रिक्स। रेरा को इम्प्लीमेंट हुए ऑलमोस्ट एक साल हो गए हैं। अब ये समय आ गया है कि हम आम आदमी के जीवन में रेरा के इम्पैक्ट को एनालाइज करें। जब हम इस क्वेश्चन पे गौर करते हैं तो हमारे जहन में ये ख्याल आता है कि क्या रेरा ने सचमुच में प्राइस राइज को इम्पैक्ट किया है, आम आदमी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में रेरा कितना सफल हुआ है। आइए हम इस बात को समझते हैं। प्राइसिंग को किस तरीके से रेरा ने इम्पैक्ट किया हुआ है, इसका आंसर स्ट्रेट नहीं हो सकता, लेकिन इसके साथ ही जो इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ी समस्या इन्वेंट्री ओवररन की है, ओवरहैंग की है, अनसोल्ड इन्वेंट्री की है, जब तक ये ख़त्म नहीं होगी तब तक रेरा का इम्पैक्ट प्राइस राइज पर हमें नहीं दिखेगा। डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज और कंप्लायंट डेवलपर्स के लिए प्राइस राइज होंगे। जहाँ तक आम कस्टमर्स के इंटरेस्ट प्रोटेक्शन की बात है, हमने देखा है पिछले कई महीनों में महाराष्ट्र में, राजस्थान में, हरियाणा में कस्टमर्स के कंप्लेंट के बेसिस पे रेरा अथॉरिटीज़ ने बहुत ही अच्छे ऑर्डर्स पास किए हैं, कस्टमर के इंटरेस्ट में पास किए हैं, डिफ़ॉल्टिंग बिल्डर्स के अगेंस्ट हैवी पेनल्टी इम्पोज किया है। इसकी वजह से एक पॉजिटिविटी का इन्वायरमेंट इंडस्ट्री के अंदर बना है, लोगों को आशा की किरण दिखने लगी है, लोगों का विश्वास इंडस्ट्री की तरफ फिर से वापस आने लगा है। हम जहाँ देखते थे कंज्यूमर फोरम में सालों लग जाते थे कंप्लेंट्स के डिस्पोजल में, वहीं रेरा अथॉरिटी के पास अब महीनों में कंप्लेंट्स का डिस्पोजल हो जाता है, लोगों को जस्टिस मिलने लगा है। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और कंप्लीशन सर्टिफिकेट में क्या डिफरेंस है। कंप्लीशन सर्टिफिकेट इज़ अ सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और द पैनलिस्ट आर्किटेक्ट कि कंस्ट्रक्शन जो है वो एज पर बायलॉज है, एज पर सैंक्शन बिल्डिंग प्लान है। जहाँ तक ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट की बात है, वो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या पैनलिस्ट आर्किटेक्ट इशू करते हैं और वो इस चीज़ को सर्टिफाई करता है कि एमिनिटीज और फैसिलिटीज़ जो किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में प्लान किए हुए हैं, जैसे सीवेज है, फायर फाइटिंग नॉर्म्स है, वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सारी चीज़ें प्लेस है एंड द प्रोजेक्ट इज़ फिट फॉर ऑक्यूपेंसी बाय द कस्टमर्स।